we will discuss Allman coupling reaction. In our previous video lecture, we have discussed a number of coupling reactions. Let's get started. First of all, what is this Allman coupling reaction? अब देखो ध्यान से, Allman coupling reaction, reaction का नाम क्या है? Coupling reaction means ये भी एक coupling type की reaction है. Coupling होगी तो कम से कम दो reactant की requirement होगी, जिनके बीच में क्या हो सकती है? Coupling हो सकती है. ओके, तो Allman coupling reaction क्या है? Allman coupling reaction generally biaryls के synthesis में हम इसको यूज करते हैं. किस में यूज करते हैं? बाई अराइल्स के सिंथेसिस में. और कैटलिस्ट क्या होता है? कॉपर. ओके, कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? कॉपर. सो द सिंथेसिस ऑफ बाई अराइल्स बाय द कॉपर इंड्यूस्ड कपलिंग ऑफ अराइल हैलाइड्स इज कॉल्ड Allman कपलिंग रिएक्शन. अराइल हैलाइड की कपलिंग रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्या कहलाएगी? Allman कपलिंग. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे आपके पास ये कोई एक अराइल हैलाइड है, ये कॉपर के साथ कपल करेगा. और मैंने कहा था कि कपलिंग के लिए कम से कम आपके पास दो रिएक्टेंट तो होने चाहिए. आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से ये आपका एक्स कॉपर के साथ रिएक्शन मिक्सचर से आउट हो जाएगा और कपल्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. ये कपल्ड प्रोडक्ट क्या है? बाई अराइल. दो अराइल ग्रुप हो गए ना यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बाई अराइल. साथ में जो आपका साइड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? सी यू एक्स टू. ओके, साथ में जो आपका कॉपर है वो हैलाइड्स के साथ बाहर निकल जाएगा. आप सी यू एक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉपर है वो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सी यू प्लस वन एंड प्लस टू. और आपको ये भी पता है कि प्लस वन और प्लस टू में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है. ओके, आप ये भी इसके लिए बोल सकते हो. सो कपलिंग रिएक्शन क्या है? Allman कपलिंग रिएक्शन क्या है? Allman कपलिंग रिएक्शन में कपलिंग होती है, किसकी कपलिंग होती है? अराइल हैलाइड्स की किसके साथ? कॉपर के साथ कपल करके ये बाई अराइल्स की फॉर्मेशन होती है. तो Allman कपलिंग रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या होता है? कॉपर. जनरली हम जो ये हमारा कपलिंग Allman कपलिंग रिएक्शन है, इसके अंदर कॉपर को कैटलिस्ट लेकर चलते हैं. एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ये तो हमारा जनरल एग्जाम्पल था. एग्जाम्पल के लिए सपोज करो हमने आइडोबेंजीन लिया है, ये अराइल हैलाइड हो गया आइडोबेंजीन. आइडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं और यहाँ से बाई फिनाइल की फॉर्मेशन होती है. किसकी फॉर्मेशन होगी? बाई फिनाइल की. ओके, तो ये क्या है? Allman कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग बिटवीन अराइल हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर. ओके, नाउ आपको पता है कि जो अराइल हैलाइड हैं, अराइल हैलाइड आपका हैलाइड्स में क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है. तो जो डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा टुवर्ड्स Allman कपलिंग रिएक्शन, ये हमें स्टडी करना है. सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड्स टुवर्ड्स Allman कपलिंग रिएक्शन क्या होगी? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयोडो अराइल हैलाइड. ओके, कौन सा अराइल हैलाइड? आयोडीन वाला सबसे क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव. और इसके बाद कौन आता है? ब्रोमीन वाला. और उसके बाद कौन आएगा? अराइल क्लोराइड. ओके, तो ये हमारे पास से रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा हैलाइड्स के लिए, कि जो आयोडीन वाला हैलाइड है, आयोडो जो कंपाउंड होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, उसके बाद ब्रोमीन आएगा, उसके बाद कौन आएगा?
क्लोरीड किसके टुवर्ड्स? अलमन कपलिंग रिएक्शन में। क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो कि अराइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होगा, तो आपको पता है कि अराइल हैलाइड में कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, और आपको ये भी पता है कि आयोडीन का साइज सबसे क्या है, बड़ा होता है। अब लार्ज साइज होने की वजह से जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड बनेगा अराइल आयोडाइड में, ये बॉन्ड क्या होगा, वीक। और बॉन्ड वीक है तो आप उसको इजिली क्या कर सकते हो, उसको इजिली हम ब्रेक कर सकते हैं। और बॉन्ड जितना इजिली ब्रेक हो जाएगा उतना ही इजिली वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अराइल हैलाइड में जो आपका आयोडो हैलाइड है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ जैसे कि सपोज करो आपके पास जो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक जो हैलाइड है, उस एरोमेटिक रिंग के ऊपर सबस्टिट्यूएंट अगर जुड़े हुए हैं तो उनका भी रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई ना कोई अफेक्ट जरूर होता है। तो कैसे अफेक्ट करती हैं हमें वो पढ़ना है। सो एरोमेटिक रिंग्स हैविंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन एक्टिवेट द रिंग टूअर्ड्स कपलिंग रिएक्शन। जैसे कि आपके पास, हम इसको समझते कि है क्या, आपके पास जैसे कि ये एक अराइल हैलाइड है, ओके। अगर इस अराइल हैलाइड की ऑर्थो पोजिशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा रिंग को किसके टुवर्ड्स, कपलिंग रिएक्शन। मीन्स आप लोग ये कह सकते हो कि जो अलमन कपलिंग रिएक्शन की रेट है ना, वो रेट इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो, ओके। एग्जांपल देखते हैं हम इसका। जैसे सपोज करो आपके पास ये आयोडो हैलाइड है और इसके ऑर्थो पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इसके दो मॉलिक्यूल्स की कपलिंग करा दो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो आपको पता है कि फॉर्मेशन तो किसकी होगी, प्रोडक्ट तो अगेन आपको पता है कि बाई अराइल ही बनेगा, बट क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा इसकी रेट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि और तो पोजिशन पे क्या लगे हैं, दो नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप कैसे है नेचर में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप लगा है, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन की रेट है वो रेट क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ओके। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पे लगा हो एरोमेटिक रिंग के, तो रिंग को एक्टिवेट करेगा टूअर्ड्स कपलिंग रिएक्शन। सो आप लोग कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हो, जैसे कि आप लोग यूज़ कर सकते हो नाइट्रो, या फिर कोई अनसेचुरेशन वाला ग्रुप, जैसे कि आपका कार्बोक्सिलिक हो गया, आपका एल्डिहाइड हो गया, या फिर आप लोग लगा सकते हो साइनो एटसेट्रा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ओके। नाउ ये तो अब तक तो हमने पढ़ा कि जो आपकी अलमन कपलिंग रिएक्शन है, इस अलमन कपलिंग रिएक्शन से आपको बाई अराइल्स की फॉर्मेशन होती है, और जो हमने बाई अराइल्स बनाए हैं वो सब सिमेट्रिकल थे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको अनसिमेट्रिकल बाई अराइल्स बनाने हो तो क्या करेंगे, ओके। सो अनसिमेट्रिकल बाई अराइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाई टेकिंग टू डिफरेंट अराइल हैलाइड्स। अगर हम दो डिफरेंट अराइल हैलाइड्स के मतलब सिंपल और सेम अराइल हैलाइड लेने की बजाय दो डिफरेंट अराइल हैलाइड हम ले लेते हैं, तो वहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी, अनसिमेट्रिकल बाई अराइल्स की। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सपोज करो आपके पास एक ये वाला कंपाउंड है, ये आपका अराइल हैलाइड कौन सा है, ब्रोमीन वाला। इसके लिए हमने दूसरा कंपाउंड लिया, क्योंकि हमें तो अनसिमेट्रिकल हैलाइड बनाना है, तो अनसिमेट्रिकल के लिए क्या लेना होगा, दो डिफरेंट हैलाइड लेने होंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है क्लोरीन, और साथ में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो
तो रिएक्शन की रेट क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, कॉपर के प्रेजेंस में। तो फॉर्मेशन किसकी होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी, कपल्ड प्रोडक्ट बनेगा ना, तो कॉपर जो है वो कपलिंग कर लेगा किसके साथ, ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ, और इनको अपने साथ बाहर निकाल लेगा और यहाँ से फॉर्मेशन होती है कपल्ड प्रोडक्ट में। यहाँ पर लिख रही हूँ वही बाई फिनाइल वाला ही कपल्ड प्रोडक्ट बनेगा, साथ में सब्स्टिट्यूएंट जो थे वो एज इट इज आ जाएंगे। ओके तो आप यहाँ से अनसिमेट्रिकल बाई अराइल्स भी बना सकते हो। अनसिमेट्रिकल बाई अराइल्स बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, तो डिफरेंट हैलाइड्स आपको लेने होंगे, कॉपर की प्रेजेंस रहेगी। ओके अब क्वेश्चन आता है कि ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट भी तो बन सकते हैं, कैसे, जैसे सपोज करो आपके पास एक मॉलिक्यूल तो इसका होगा नहीं, कोई भी हैलाइड सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो होगा नहीं, तो ये जो आपका ब्रोमीन वाला हैलाइड है ये आपस में ही कपल कर जाए साइड प्रोडक्ट बन सकता है, क्लोरीन वाला आपस में ही कपल कर जाए तो भी साइड प्रोडक्ट बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, साइड प्रोडक्ट फॉर्म ना हो इसको अवॉइड करने के लिए जो हम अराइल हैलाइड्स लेकर चलते हैं उनके लिए कंडीशन रखते हैं कि अपना कम से कम एक अराइल हैलाइड तो ऐसा होना चाहिए जो क्या ज़्यादा क्या हो, रिएक्टिव, और एक क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो अगर हमने दोनों में से एक को ज़्यादा रिएक्टिव बना दिया, एक को कम रिएक्टिव बनाया है, तो ऐसी कंडीशन में साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ से केवल और केवल जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा वही बनेगा, ना कि साइड प्रोडक्ट। आई होप आपको ये जो रिएक्शन है ये क्या होगी, क्लियर होगी यहाँ से। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ अलमन कपलिंग रिएक्शन, अलमन कपलिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। आप लोगों को ये पता है कि किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो ऐसे ही अलमन कपलिंग रिएक्शन का भी मैकेनिज्म क्या होगा। अब तक नाउ ए डेज तक जो अलमन कपलिंग रिएक्शन है, अलमन कपलिंग रिएक्शन के लिए कोई भी बेस्ट मैकेनिज्म नहीं है, बट हम सर्टेनली करते हैं, मीन्स हम थोड़ा सा मानकर चलते हैं कि जो अलमन कपलिंग रिएक्शन है ये कुछ इस टाइप से हुई होगी। तो जो कपलिंग रिएक्शन है वो दो मैकेनिज्म को फॉलो करती है, फर्स्ट मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और सेकेंड मैकेनिज्म आयनिक मैकेनिज्म। ओके तो अलमन कपलिंग रिएक्शन कितने मैकेनिज्म को फॉलो कर सकती है, मतलब ये जो मैकेनिज्म है ना प्रोपोज्ड हैं, एक्चुअल वाले मैकेनिज्म नहीं है, एक्चुअल में किस मैकेनिज्म से होती है ये मैकेनिज्म अभी सर्टेन नहीं है। ओके तो फर्स्ट मैकेनिज्म क्या बताया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सेकेंड वाला क्या बताया, आयनिक मैकेनिज्म। स्टडी करते हैं दोनों को, पहले हम पढ़ लेते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, आपको पता है कि फ्री रेडिकल फॉर्म होगा और फ्री रेडिकल से ही जो मतलब लास्ट में जो फ्री रेडिकल बनेंगे वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे और कंबाइन करने से बाई अराइल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके तो कैसे रिएक्शन होती है वो देखना है। अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द कॉपर जनरेट्स एन अराइल रेडिकल बाय ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम कॉपर मेटल टू द अराइल आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम तो अराइल की बात करते हैं, टू द अराइल हैलाइड्स, और फाइनली जो दो अराइल हैलाइड्स बनेंगे वो रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म फाइनल बाई अराइल प्रोडक्ट्स। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कॉपर मेटल सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, किसको करेगा, अराइल हैलाइड को, और वहाँ से अराइल रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, और जो अराइल रेडिकल बनेगा उसके दो मॉलिक्यूल आपस में कपल करेंगे और फाइनली जो हमें बाई अराइल प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाएगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म होता क्या है। सपोज करो आपके पास ये एक अराइल हैलाइड हमने लिया है, ये कॉपर से रिएक्शन करता है, तो कॉपर क्या है, मेटल, और मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो कॉपर अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा इसको, तो यहाँ से
अराइल रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, साथ में हैलाइड आयन निकल जाएगा. ओके तो जो अराइल हैलाइड फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर बना है, ये अराइल हैलाइड अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद कपल्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी. ओके तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कॉपर से अराइल हैलाइड के पास, और फिर यहाँ से अराइल रेडिकल बनेगा, और अराइल रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे और फाइनली हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो मिल जाएगा. ओके एंड द सेकेंड मेथड इज आयनिक मैकेनिज्म. तो जो आपकी कपलिंग रिएक्शन है, अलमन कपलिंग रिएक्शन, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी हो सकती है, साथ में आयनिक मैकेनिज्म से भी हो सकती है. ओके आयनिक मैकेनिज्म किस तरीके से होता है ये हम देखते हैं. तो आयनिक मैकेनिज्म में फर्स्टली अकॉर्डिंग टू द आयनिक मैकेनिज्म एन अराइल कॉपर इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड. सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में अराइल कॉपर इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी. अब क्वेश्चन आता है कि अराइल कॉपर इंटरमीडिएट बनेगा कैसे, देखते हैं. सो दिस मैकेनिज्म बिगिंस विद ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ द कॉपर टू द अराइल हैलाइड. तो क्या होगा, अराइल कॉपर इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, कि जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा किसके ऊपर, अराइल हैलाइड के ऊपर. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. उसके बाद क्या होगा, फॉलोड बाय ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू फॉर्म एन ऑर्गेनोक्यूपरेट रिएजेंट. उसके बाद सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और यहाँ से ऑर्गेनोक्यूपरेट रिएजेंट की फॉर्मेशन होती है. फिर जो ऑर्गेनोक्यूपरेट रिएजेंट बना है परफॉर्म अनदर ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑन एन अराइल हैलाइड एंड फॉर्म बाई अराइल कॉपर हैलाइड कॉम्प्लेक्स विच आफ्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन रिजल्ट्स इन फाइनल बाई अराइल प्रोडक्ट. तो जो ऑर्गेनो, देखो सबसे पहले कॉपर का ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ अराइल हैलाइड के ऊपर और यहाँ से बना अराइल कॉपर इंटरमीडिएट, जिसने क्या किया, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फिनोमिना से ऑर्गेनोक्यूपरेट बनाया. ऑर्गेनोक्यूपरेट का दोबारा से ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा अराइल हैलाइड के ऊपर और यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी, बाई अराइल कॉपर हैलाइड की, कॉपर हैलाइड कॉम्प्लेक्स की, जिसका होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन और वहाँ से बनेगा फाइनल बाई अराइल प्रोडक्ट. तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि एक्चुअल में मैकेनिज्म में होता क्या है. ओके जैसे सपोज करो आपके पास, एक अराइल हैलाइड हमने लिया है और अराइल हैलाइड भी कैसा है, हमने बेंजीन ले ली है यहाँ पर, ये आपका हेलोजन है. ठीक है, हेलोजन आपको पता है कि कोई भी यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. तो ये हमने कोई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक अराइल हैलाइड लिया है. सबसे पहले स्टेप में अभी हमने पढ़ा था क्या होगा, कॉपर का होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, और जब कॉपर ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करेगा तो आपको पता है ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होगा, कॉपर यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट में कॉपर अपना प्रोडक्ट बनाएगा वहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन भी किस तरीके से होता है देखते हैं. तो सबसे फर्स्ट स्टेप में कॉपर इंसर्ट हो जाएगा अराइल और हैलाइड के बॉन्ड के बीच में. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो कॉपर बना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, +2. और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मींस कॉपर का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन. तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ कॉपर. अब जो ऑक्सीडेटिव एडिशन से जो आपका इंटरमीडिएट बना है, ये इंटरमीडिएट फर्दर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कहाँ से, कॉपर से. एक और कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर करेगा इस इंटरमीडिएट के पास, और यहाँ से जो कॉपर हैलाइड की फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर से आउट हो जाएगा, ओके सॉरी रिएक्शन मिक्सचर से क्या हो जाएगा आउट। तो एज अ रिजल्ट आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में हमें मिलेगा कॉम्प्लेक्स, किसका कॉम्प्लेक्स, अभी हमने पढ़ा था कॉपर का कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ से ये कॉपर कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा, ठीक है, ये आपका आर हैलाइड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, किसका कॉम्प्लेक्स, कॉपर का कॉम्प्लेक्स बना है अराइल हैलाइड के साथ, ये दोबारा से अराइल हैलाइड के एक और मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो हमने दूसरा मॉलिक्यूल ये लिया, जैसे ये आपका एक्स हो गया और यहाँ पर ये कोई भी आपका आर हो गया, बिल्कुल सिमिलर जो हमने स्टार्टिंग में हैलाइड लिया था वही हैलाइड हमें यहाँ पर लेना है। तो यहाँ से एक कपल्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा जो होगा, देखो कॉपर का तो ऑक्सीडेटिव एडिशन करना है ना, तो ये आपका कॉपर पहले से था, तो इस कॉपर ने इस एक्स के साथ क्या कर लेगा, ऑक्सीडेटिव कपलिंग कर लेगा, तो जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है इसके बीच में कॉपर आ जाएगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड जो कॉपर का किसके साथ बन जाएगा, बेंजीन के साथ, साथ में कॉपर एक बॉन्ड बना लेगा हैलाइड्स के साथ, तो यहाँ से बाई अराइल कंपाउंड बनेगा कॉपर के साथ, ठीक है। अब जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड में होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, क्या होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, और रिडक्टिव एलिमिनेशन में किसका रिडक्शन होगा, सी यू एक्स का, और अगर ये सी यू एक्स का रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाता है तो इस कार्बन का बॉन्ड हम डायरेक्ट किस कार्बन से बना देंगे, इससे, और यहाँ से हमारा जो रिक्वायर्ड बाई अराइल प्रोडक्ट था वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आयनिक मैकेनिज्म है अलमन कपलिंग रिएक्शन के लिए। अगेन बताती हूँ, सबसे फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है, फिर कॉपर ने सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया है, क्या किया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हुई है, कॉपर कॉम्प्लेक्स की। कॉपर कॉम्प्लेक्स दोबारा से क्या किया है इस स्टेप में, ऑक्सीडेटिव एडिशन शो किया है, किसके साथ, जो हैलाइड हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन मिक्सचर में लिया था उसी के साथ, और यहाँ से ऑक्सीडेटिव एडिशन वाला कंपाउंड बना है जिसका होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, और यहाँ से रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ओके। नाउ वी विल डिस्कस सम एप्लीकेशंस ऑफ अलमन कपलिंग रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि हम इस रिएक्शन को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या यूज हैं इसके, क्या एप्लीकेशंस हैं। तो अलमन कपलिंग रिएक्शन का जनरली हम यूज करते हैं इन सिंथेसिस ऑफ बाई अराइल्स टू टू बाई पिरिडाइल एंड अदर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। तो जो आपके बाई अराइल्स हो गए, बाई पिरिडाइल हो गए, या फिर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, इन सब की फॉर्मेशन के लिए हम, इन सब के सिंथेसिस के लिए हम अलमन कपलिंग रिएक्शन को यूज करते हैं। इसके लिए हम एक दो एप्लीकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका है, देखते हैं, जैसे कि आपके पास सपोज करो एक हैलाइड है, और हैलाइड भी कौन सा है, आयोडाइड। हम जनरली आयोडाइड क्यों लेकर चलते हैं, ताकि रिएक्शन क्या हो उसके, फास्ट हो उसके, ओके। और इसके ऑर्थो पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए दोनों साइड, और पैरा पोजीशन पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, ओके। तो हम इस कंपाउंड का क्या कर देते हैं, अलमन कपलिंग रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी कपल्ड प्रोडक्ट की, और कपल्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों बेंजीन रिंग को आपस में क्या कर दोगे, कपल कर दोगे, और जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए थे उनको क्या करेंगे, एज इट इज लगा देंगे, ठीक है। देखो करना क्या है, सिर्फ ये आयोडाइड हटाओ और दूसरा बिल्कुल सिमिलर जो आपका हैलाइड है उसको यहाँ पर इसके साथ कपल करा दो, जस्ट आपको आयोडीन को रिप्लेस करना है, और आयोडीन के जगह पे दूसरे जो हैलाइड है उसकी कार्बन से बॉन्ड बना दो। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम किसी और रिएक्शन से भी तो बना सकते हैं, बट
क्योंकि इस जो रिएक्टेंट है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बल्किनेस है, जो ग्रुप लगे हुए हैं इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इस रिएक्शन को कर पाना वैसे तो मुश्किल था, लेकिन हम अलमन कपलिंग रिएक्शन से इस बाई प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे ही जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें आइडोबेंजीन ही हमने लिया है लेकिन सब्स्टिट्यूटेड है, पैरा पोजिशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। इसके भी अगेन दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे कॉपर के साथ और यहाँ पर फॉर्मेशन होती है बाई अराइल प्रोडक्ट की, सिमिलर वे में जैसे अब तक बना था। ठीक है, तो ये बाई अराइल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। जनरली रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में होती है और साथ में रिएक्शन मिक्सर को हीट करना पड़ता है। ऐसे ही और भी एग्जांपल हैं हमारे पास, जैसे कि देखो बाई पिरिडाइल कैसे बना सकते हैं। जैसे ये हमारे पास पिरिडीन है, पिरिडीन का हैलाइड है ब्रोमीन, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेकर चलेंगे, रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो यहाँ से बाई पिरिडाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। और बाई पिरिडाइल कंपाउंड कैसे बनेगा, जो ब्रोमीन है इसको हम रिएक्शन के रिएक्टेंट से हटा देंगे और रिएक्टेंट को कपल करा देंगे। ठीक है, जैसे दोनों पिरिडीन बनाई ऐसे ही हम दूसरी पिरिडीन भी बना देंगे और दोनों को इस तरीके से हम कपल करा देंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, बाई पिरिडाइल। ओके, और भी कर सकते हैं हम, जैसे कि अपने पास एक बायसाइक्लिक कंपाउंड है, आयोडीन आयोडीन। अगर इस कंपाउंड की हम कॉपर से रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है एलमन टाइप की रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी और दोनों आयोडीन कॉपर के साथ मिलकर के रिएक्शन के रिएक्टेंट से बाहर निकल जाएंगे और साथ में रिंग क्लोज हो जाएगी। तो हमने रिएक्शन में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स भी हम यहां से बना सकते हैं। देखो इस तरह की कंपाउंड आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा सही बना लेना इसको। तो यहां से ये रिंग क्लोज तो हो गई, ये बीच वाली रिंग क्लोज हो गई ना, ये वाली रिंग हमें मिली है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी फॉर्मेशन अलमन रिएक्शन से हम कर सकते हैं। ओके, अब अलमन रिएक्शन के इम्पोर्टेंस तो है कि हम इससे कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी अराइल कंपाउंड्स के अंदर बना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अलमन कपलिंग रिएक्शन। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि अलमन कपलिंग रिएक्शन की लिमिटेशंस क्या हैं। ऑल्दो अलमन कपलिंग रिएक्शन वॉज वन ऑफ द मेन रिएक्शन यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए हम अलमन रिएक्शन का यूज़ करते हैं, जनरली अराइल अराइल बॉन्ड हम इससे बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन जो कि वेरी ड्रास्टिक कंडीशन है, हमें लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़ता है, तब जाकर अलमन रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो फर्स्ट क्या हो गया, हराश रिएक्शन कंडीशन, क्योंकि रिएक्शन कंडीशन में हमें रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना होता है और जो कि 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। दूसरा, जो हम इसमें कॉपर कैटलिस्ट लेते हैं उसकी हाई अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, मींस लोडिंग ज़्यादा चाहिए होती है, और क्योंकि कैटलिस्ट जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो रिएक्शन इकोनॉमिकली उतनी ही क्या हो जाएगी, उतनी ही उसकी लिमिटेशन हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो हैलाइड हैं इनके पुअर फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस होती है, मींस अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन मिक्सर में आ गया है तो ये उनके साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर सकते, और साथ में क्योंकि रिएक्शन में लो यील्ड मिलती है प्रोडक्ट की, तो ये भी बहुत बड़ी लिमिटेशन है अलमन रिएक्शन की।
तो अलमन रिएक्शन की कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन आई होप आपको ये अलमन कपलिंग रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।